मॉर्निंग टू आर यू। आई होप आपको आवाज मिल रही होगी। चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट मैचिंग ऑफ द थ्री आइटम्स एंड देयर ग्रुपिंग कैटेगरी, कौन सा इसमें से करेक्टली मैच कर रहा है। तो एक ऑप्शन आपके पास है इलियम इस्चियम प्यूबिस एंड कॉक्सल बोन ऑफ द पेल्विक गर्डल। देखिए अगर हम बात करें इलियम इस्चियम प्यूबिस की और कॉक्सल बोन की तो ये ऑप्शन अभी तक सही लग रहा है मुझे। आइटम्स की बात करें एक्टिन मायोसिन रोडोप्सिन, तो रोडोप्सिन यहाँ पे नहीं होगा, ये मसल प्रोटीन नहीं है। साइटोसिन यूरासिल थियामिन, ये थायमिन होना चाहिए, ये भी प्रिमिडीन नहीं है, बाकी तीनों आपके पास प्रिमिडीन है, तो ये दोनों ऑप्शन आपके गलत हो गए। थर्ड इज अ मैलस इंकस एंड स्टेप्स, तो कॉकलिया है इसलिए ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिलहाल आंसर सिर्फ क्या होगा, ए इज द राइट आंसर, बाकी जो ऑप्शंस हैं वो सही नहीं है। क्यों नहीं सही है ये आपको बता दिया मैंने। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द इंपॉर्टेंट फ्लोरल रिवार्ड, फ्लोरल रिवार्ड, जब भी कोई पॉलिनेटर किसी प्लांट को पॉलिनेट करता है तो बदले में उसे जो मिलता है उसे फ्लोरल रिवार्ड कहते हैं। और वो रिवार्ड किस फॉर्म में हो सकता है एनिमल पॉलिनेटर को, वो कलर एंड लार्ज साइज फ्लावर, जी नहीं, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। ये रिवार्ड क्या हो सकता है, नेक्टर हो सकता है और पॉलन ग्रेन हो सकता है, ये भी पॉइंट याद रखें, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन। तो आंसर इज द बी, एक बेहद आसान सवाल है। चलिए वैम, वैम इज, वैम क्या होता है, वेजिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, वेजिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा, ये एक आपका इंडो माइकोराइजा है, ये बात याद रखिएगा, बेहद आसान सवाल है, दिस इज द इंडो माइकोराइजा। ओके चलिए तो आंसर इज सी, विदाउट एनी कंफ्यूजन आंसर इज, फटाफट आंसर कर लीजिएगा सभी लोग। क्वेश्चन नंबर फोर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंट्रोल हार्ट बीट, कौन सा इसमें हार्ट बीट को कंट्रोल नहीं करता। तो वेगस नर्व हार्ट बीट को कंट्रोल करता है, एपिनेफ्रिन हार्मोन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये दो के दोनों आपके क्या हैं, दे बोथ आर एमरजेंसी हार्मोन, तो ये दोनों तो करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों आपके करेंगे ना तो फिर वेगस भी हो जाएगा, मतलब करने के लिए एपिनेफ्रिन भी करेगा नॉरएपिनेफ्रिन भी करेगा, तो कौन सा नहीं करेगा इसमें, ये एक बेहद मसला है। तो ग्लासोफेरेंजियल नहीं करेगा, ग्लासोफेरेंजियल क्यों नहीं करेगा, ये जो आपकी मसल होती है मतलब ये जो नर्व होती है ना, ये क्या करती है, ये पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माउथ कैविटी को कहीं ना कहीं या जो टंग है उसको कंट्रोल करने की बात करता है। तो ग्लासोफेरेंजियल जो आपका ये आंसर नहीं होगा, ये कंट्रोल नहीं करता है। तो डी इज नॉट द कंट्रोल द हार्ट बीट, बाकी सारे ऑप्शन हैं जो कंट्रोल करते हैं, तो ग्लासोफेरेंजियल नर्व कंट्रोल नहीं करते। ठीक है चलिए नेक्स्ट, विच वर द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कौन सा इसमें से है जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में कंसिडर नहीं होता, जो नहीं होता है बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट में। तो जरा इसका आंसर जल्दी से बता दीजिए कि क्या नहीं होगा,
देखिए एंडेमिज्म होगा, एक्सेलरेटेड स्पीशीज लॉस होता है, स्पीशीज रिचनेस। जब भी हम हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो संख्या भी याद होनी चाहिए। आज की डेट में 34 हॉटस्पॉट हैं वर्ल्ड में और 3 हॉटस्पॉट हैं इंडिया में। ये आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, रियलिटी कुछ और है। देखिए और हॉटस्पॉट क्या होता है, वो जगह जहाँ पे हाई स्पीशीज रिचनेस हो, एंडेमिज्म बहुत ज़्यादा हो और एक्सेलरेटेड लॉस हो, जहाँ होगा वही लॉस होगा। लेकिन कह रहे हैं लेसर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन, जी नहीं, हायर इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन होता है, बिटवीन द स्पीसीज कंपटीशन पाया जाता है। तो इसलिए आपका सी जो आंसर है ये इनके बीच में ऑब्जर्व नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, रूट कैप्स आर अब्सेंट इन। तो रूट कैप कहाँ अब्सेंट होती है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, रूट कैप हाइड्रोफाइट्स में अब्सेंट होती है, हाइड्रोफाइट्स में अब्सेंट होती है। और यहाँ पे रूट पैकेट्स पाए जाते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, अब इसमें देखते हैं कि तो पिस्टिया हो सकता है, पेंडानस जो आपका है, जो पेंडानस है याद रखिएगा, पेंडानस टेरेस्ट्रियल प्लांट है, फाइकस टेरेस्ट्रियल प्लांट है, पोथास टेरेस्ट्रियल प्लांट है, पोथास भी टेरेस्ट्रियल है। तो सिर्फ ए आंसर है, इकॉर्निया पिस्टिया लैमना ये आपका हाइड्रोफाइट्स है। तो आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 7, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ हेटरोजाइगस ऑफस्प्रिंग इन द आफ्टर जनरेशन। अगर आप मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करेंगे थर्ड जनरेशन में, तो देखिए अगर आप काउंट करें कैपिटल टी क्रॉस विद द स्मॉल टी, यू विल गेट कैपिटल टी स्मॉल टी। आप दोबारा क्रॉस कराएंगे, ये F1 जनरेशन का रिजल्ट था, दोबारा क्रॉस कराएंगे जो दो कुछ आपको दोबारा मिलेगा F1 जनरेशन। F2 में क्या मिलेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये चार प्लांट आपको मिले। अब आपको क्या करना है ना सर, बहुत अच्छे समझिएगा, एक आप क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ, दूसरा कराएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, तीसरा आपका क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और चौथा क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी। इतना क्रॉस अगर आप कराएंगे तो यू विल गेट, यहाँ से जो आपको मिल के आएगा पूरा ओवरऑल, मैं आपको बता दूँ, कैपिटल टी के 3 प्लांट होंगे, कैपिटल टी स्मॉल टी के 10 प्लांट होंगे और स्मॉल टी के 3 प्लांट होंगे। टोटल आपको जो 16 प्लांट मिलेंगे, 16, उस 16 में 10 प्लांट आपके हेटरोजाइगस होंगे जो आपसे पूछ रहे हैं। तो अगर आप 16 में 10 का परसेंटेज निकालेंगे तो आएगा 62.5%। आंसर इज द डी। चलो अगला सवाल अगर आप देखें, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर आप जाएं तो अकरेंस ऑफ एंडेमिक स्पीसीज इन द साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका इज, ड्यू टू। तो आप अगर आप एंडेमिक स्पीसीज की साउथ अमेरिका और अफ्रीका में बात करेंगे, इट इज द प्रोग्रेसिव एवोल्यूशन, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, अब्सेंस ऑफ टेरेस्ट्रियल रूट्स टू द डिस्प्लेसेस या म्यूटेशन। तो आई थिंक आंसर इज द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ऐसा होता है, ठीक है, याद रखेंगे, इट इज ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, मैच द फॉलोइंग विद द करेक्ट कॉम्बिनेशन के साथ आप मैच कराइए। कस्कुटा की अगर बात करेंगे तो कस्कुटा एक पैरासाइट है, तो एक आपका किसके साथ हो जाएगा बताइए, ए आपके 4 के साथ चला जाएगा, यस ए 4 के साथ चला जाएगा। तो अब ये दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते। इकॉर्निया एक हाइड्रोफाइट है और इसमें अभी हमने आपसे कहा था रूट पैकेट्स पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, रूट पैकेट्स आपको मिलते हैं। अगर इसमें रूट पैकेट की बात करेंगे ना, इकॉर्निया रूट पैकेट, तो बी इज द डी आंसर हो जाएगा, रूट पैकेट, ठीक है ना, इकॉर्निया। तो अब बी का आपसे क्या सोचा, रूट पैकेट हो जाएगा, तो बी रूट पैकेट, अब बी आंसर हो सकता है इसमें, है ना, बी आंसर हो सकता है। और भी देख लेते हैं, मोनोट्रॉपा एक सेप्रोफाइट्स प्लांट है, राइजोफोरा एक नेमेटोफोर कंटेनिंग प्लांट है और अट्रिक्लोरिया ये इंसेक्टिवरस प्लांट है ना। तो आंसर इज द बी। अच्छा सवाल था और इसमें से कई फैक्ट हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 10, ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन ऑफ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट फ्रॉम रेप्लिकेशन ओरिजिन साइट इन। देखिए जब भी हम बात करते हैं ना रेप्लिकेशन की, तो रेप्लिकेशन जो होता है ये बाई डायरेक्शनल होता है सर। कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल, दोनों दिशा में होगा, मतलब 5-3 होगा, बट ऐसा नहीं दोनों स्टैंड पे होगा, तो शायद दैट्स व्हाई बाई डायरेक्शनल हो जाता है। आंसर इज डी। अर्ली फ्रूट ड्रॉप कैन बी अवॉइडेड बाई स्प्रेइंग। अर्ली फ्रूट ड्रॉप ऑक्सन इथालिन गैस जिब्रेलिन साइटोकाइन। अगर आप अर्ली फ्रूट ड्रॉप की बात करेंगे, आई थिंक ऑक्सन होना चाहिए आंसर। एक बार चेक कर लीजिएगा एनसीईआरटी में, आई थिंक ऑक्सन होना चाहिए। ऑक्सन इज द राइट आंसर। ऑक्सन ही प्रिवेंट करता है अर्ली फ्रूट ड्रॉप। जनरली हाउ मेनी मेगास्पोर टेक पार्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेट, जो याद होना चाहिए आंसर, वन इज द राइट आंसर। आपको पता है 4 मेगास्पोर बनते हैं और उसमें 3 आपके पास डिजेनरेट हो जाते हैं, 3 आपके क्या हो जाते हैं, डिजेनरेट हो जाते हैं, तो सिर्फ आपके पास जो बचेगा चलिए, तो 12 का आंसर क्या हो जाएगा? चलिए अगला देखते हैं, सिंगल चॉइस में क्वेश्चन नंबर 13। The technical term used for the endosium in flower of China rose. Hibiscus rosasinensis की बात कर रहे हैं technical term में, तो क्या होगा आंसर जल्दी से बता दीजिए। I think monoadelphous होना चाहिए, और आपको पता भी है कि China rose में यही condition पाई जाती है। China rose में एक group में सारे के सारे endosium जो हैं या सारे के सारे जो stamen हैं वो arrange होते हैं। तो this very good morning बेटा, very good morning। चलिए तो answer is the A, monoadelphous condition, ठीक है। चलिए मोनोएडल्फस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ चुका एग्जाम में कई बार। डीडीटी रेजिड्यू आर रैपिडली पास्ड टू द फूड चेन, जो डीडीटी है ये रैपिडली कहाँ ट्रांसफर होता है, फूड चेन में। बायोमैग्निफिकेशन होता है इसमें, ऐसा क्यों होता है ये एक बड़ा मसला है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपका डीडीटी है ना ये लिपिड सॉल्वेबल होता है, लिपिड सॉल्वेबल होता है, और लिपिड सॉल्वेबल होने की वजह से ये जनरली मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है और ये ऊपर तक ट्रैफिक लेवल में या फूड चेन में चढ़ता चला जाता है। तो मैक्सिमम डीडीटी हमें कहां मिला था, बर्ड्स में मिला था, लिपिड सॉल्वेबल होने की वजह से। आंसर इज डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। इट टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल प्लांट टू प्रोड्यूस फ्लावर, व्हिच कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोन कैन बी अप्लाइड टू आर्टिफिशियली इंड्यूस फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल प्लांट थ्रू आउट द ईयर टू इंक्रीज यील्ड। ओके, पाइनएप्पल प्लांट में इंक्रीज यील्ड बढ़ानी, यानी कि यील्ड बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ओके, ईल बढ़ाने के लिए क्या करेंगे? ठीक है। ऑक्सिन और इथाइलिन रिस्पॉन्सिबल होगा फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग इन पाइनएप्पल। अगर हम बात करें पाइनएप्पल की, जस्ट वन सेकंड, पाइनएप्पल प्लांट के लिए, तो इथाइलिन और ऑक्सिन ये इनके फ्लावरिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है और इनमें फ्रूट बनने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। ये अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन, याद रखिएगा, ये एक अच्छा सवाल है। नेक्स्ट, Which of the following statement are correct about genetically engineered insulin? Insulin के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, insulin के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। It was manufactured by the American company Eli Lilly, NCERT की लाइन है, बिल्कुल सही। It is produced by the use of appropriate recombinant E. coli clone, ठीक है, okay, very nice. It was launched on the 5th July 1983, permission लिया 82 में, launch किया 83 में। It is also called bovine insulin, इसका इससे कोई मतलब नहीं है। Boyne insulin नहीं कहते। Answer is 1, 2, 3rd. C is the right answer. Eco Albase cuts DNA molecular at particular point by recognize a specific restriction sequence. The sticky end formed after digestion have the sequence. देखिए कैसे कट करता है। GAA TTC
कट कहां से करता है, यहां से करता है, कट कहां से करता है, यहां से करता है। तो जो स्टी की एंड बन के आएगा वो क्या बन के आएगा, सी टी टी ए ए, ये ऑप्शन होना चाहिए, या फिर आप कह सकते हैं ए ए टी टी सी, यही ऑप्शन होगा। तो ए ए टी टी सी जरा डाल सकते, ये भी एक अच्छा सवाल है, नया पैटर्न पे सवाल है। अभी तक ये पूछते थे कि कौन कहाँ पे कट करता है, अब ये सवाल दिख रहा है कि कैसे होता है। तो ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, चलेगा। तो आंसर इज द ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 18। परसिस्टेंट न्यूसिलस इन द सीड इज ऑब्जर्व्ड इन, परसिस्टेंट न्यूसिलस, देखिए पुराना सवाल है ये, पिछले पेपर में भी रिपीट हुआ है। परसिस्टेंट न्यूसिलस की बात करते हैं, ब्लैक पेपर एंड बीट इज द राइट आंसर, है ना, जिसमें रिमेन मतलब रिटेन रह जाता है। तो सिर्फ आंसर क्या होगा, बी, पुराना सवाल है, रिपीट हो सकता है, रिपीट होता रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन, एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सिन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, इनहिबिट लेटरल बर्ड, कंट्रोल डायरेक्शन ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट, इनिशिएट प्रमोट सेल डिवीजन एक्टिवली पार्टिकुलरली टिश्यू कल्चर। ये फंक्शन इनका नहीं है सर, ये फंक्शन साइटोकाइनिन का है, साइटोकाइनिन का है। तो सी इज द राइट आंसर, जो कि ऑक्सिन का फंक्शन नहीं है। रॉकी माउंटेन फीवर इज कॉज्ड बाय, अभी कम्युनिटी में मैंने सवाल पूछा था कि रॉकी माउंटेन फीवर किससे होता है, तो रॉकी माउंटेन फीवर बैक्टीरिया से होता है, और इसका एक नाम भी आप चाहें तो लिख लें, रिकेट्सिया रिकेट्सी, रिकेट्सिया रिकेट्सी, रिकेट्सिया रिकेट्सी। और एक पॉइंट और बताऊंगा, ट्रांसमिटेड बाय, ट्रांसमिटेड बाय, ये भी लिख लीजिए, क्या पता चूंकि एनसीईआरटी में है, टिक्स की मतलब एनसीईआरटी के बाहर का, लेकिन एनटीए ने दिया है, ट्रांसमिटेड बाय टिक्स, रिकेट्सिया रिकेट्सी ने कॉज किया, आंसर इज द बैक्टीरिया। एक अच्छा सवाल हो सकता है बाहर के लिए। हीमोग्लोबिन हैज द मैक्सिमम एफिनिटी विद, हीमोग्लोबिन, अगर हीमोग्लोबिन की एफिनिटी की बात करें तो इसके साथ एफिनिटी की तीन हमारे पास हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड की सबसे ज्यादा एफिनिटी होगी, कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति, उसके बाद ऑक्सीजन के प्रति, और उसके बाद CO2 के प्रति, सबसे ज्यादा CO, देन ऑक्सीजन, देन CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के स्पेल कर सकते, बी इज द राइट आंसर। 21 के बाद 21। गुड मॉर्निंग डॉक्स फॉर गेमिंग, वेरी गुड मॉर्निंग। द प्रिंसिपल नाइट्रोजनस एक्सट्रेटिव प्रोडक्ट कंपाउंड इन द ह्यूमन सिंथेसिस इन, अगर हम बात करें, वेरी गुड मॉर्निंग भैया, चलिए अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा कहाँ पे सिंथेसाइज होता है, तो प्रिंसिपल नाइट्रोजनस जो बनता है, यानी मैं एक सीधी बात करूँ कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो आपके पास हैं, जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी में होते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड जो होते हैं, ये कहाँ बनते हैं, लीवर में बनते हैं मेनली, और रिमूव किससे, किसके द्वारा किए जाते हैं, मेनली रिमूव किए जाते हैं किडनी के द्वारा, है ना, तो इन द लीवर बट एलिमिनेटेड मोस्टली थ्रू द किडनी, यस यही आंसर सही होगा। पूरी बात करने के बाद आप आंसर कर सकते हैं, मोस्टली थ्रू द किडनी। 22, 3, ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ, देखिए अगर आप किसी भी फैट मॉलिक्यूल की बात करेंगे, ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, किसी भी फैट मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो इसमें एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल होता है, एक ग्लिसरॉल होता है, और दूसरा तीन फैटी एसिड होते हैं, एक ग्लिसरॉल, तीन फैटी एसिड। कभी भी इस सवाल को करें तो ऐसे ही करें, और इसे हम फैट को ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड मतलब तीन फैट एसिड, है ना, तो थ्री ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड वन फैटी एसिड, वन ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल एंड थ्री फैटी एसिड, आंसर इज बी। चलिए अगला सवाल, कॉमन करेक्टर्स प्रेजेंट बिटवीन ब्रायो एंड टेरिडो, ब्रायो और टेरिडो के बीच में, लेकिन एक बहुत पास पास करेक्टर होते हैं इसलिए कंफ्यूज हो जाता है बंदा इसमें, पजेस डिस्टिंक्ट गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट जनरेशन एंड मल्टीसेलुलर सेक्स ऑर्गन, बिल्कुल दोनों होते हैं, हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड राइजोइड्स, यस है, रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, अगर हम बात करें तो कैसे होगा, रिक्वायर वाटर, बिल्कुल ये भी ठीक है, नो इशू, ये भी सही है, ऑल ऑफ दीज, यस बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज, डी इज द राइट आंसर, देखिए किसी ने आंसर किया है क्या, टीस का बी, ठीक है। चलिए 25, गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, चलिए इसका आंसर बताइए, बताइए आंसर बताइए, देखिए किसी ने आंसर किया है, 35 बोला भैया, 35, कोई बात, देखिए
साइसर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो कंडीशन होती है ना वो टेट्रार्च कंडीशन होती है। क्या होती है? टेट्रार्च कंडीशन, ये फोर होते हैं और एग्जार्च होते हैं, रूट है ना, तो एग्जार्च होते हैं। तो ट्रायार्च कंडीशन गलत होगी, मोनार्च गलत हो गई, मोनार्च सिर्फ टेट्रार्च एक ऑप्शन है। और एक बात, पिथ इज वेल डेवलप इन डाइकॉटिलेडनस डीएस, डाइकॉटिलेडनस और एमआर मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, सबसे छोटी डिग्री लेकिन सबसे बड़ा डेवलपमेंट, तो मोनोकॉट रूट याद रखिएगा, है ना। आंसर 25 का सी होना चाहिए। अच्छा सवाल है ये और मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकता है 2020 के लिए। अगला सवाल, व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम, राइबोसोम के बारे में क्या सच है? द प्रोकैरियोट राइबोसोम और द एटीएस, ओके। फॉर एस स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट, गलत है ये, प्रोकैरियोट 70s होता है। These are composed of the ribonucleic acid and protein. They are found only in eukaryote. बेकार का पॉइंट है, दोनों जगह होता है। The self-splicing introns of the stem, नहीं, आज में एग्जॉन की बात करते हैं। तो आंसर इज बी, याद रखिएगा, फैक्ट है, पूछा जा सकता है कभी भी। क्वेश्चन नंबर 27, इन केस ऑफ प्लांट सक्सेशन व्हेन क्लाइमेक्स इज रीच्ड द नेट प्रोडक्टिविटी, नेट प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकोसिस्टम, देखिए जब भी कभी क्लाइमेक्स होता है, लास्ट एकदम बिल्कुल लास्ट स्टेबल की बात कर रहे हैं, तो ये स्टेबल कम्युनिटी होती है। और जब स्टेबल कम्युनिटी की बात करते हैं तो उस समय हम ग्रोथ की बात नहीं करते, है ना, ग्रोथ की बात नहीं करते, स्टेबल कम्युनिटी होती है। तो बिकम्स स्टेबल, तो इस समय क्या होगा, जो आपकी फोटोसिंथेसिस होगा और रिस्पिरेशन होगा, ये दोनों बराबर हो जाता है ना, तो इसलिए प्रोडक्टिविटी में डिफरेंस नहीं आता। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो रिगार्डिंग कॉन्ट्रासेप्शन एंड आंसर इज द डायरेक्टेड टू योर वाइफ। वैसेक्टोमी इन्वॉल्व कटिंग डाउन ऑफ द वास डिफरेंस इन द फीमेल, वैसेक्टोमी इन्वॉल्व कटिंग डाउन ऑफ द वास डिफरेंस इन द फीमेल, वैसेक्टोमी वास डिफरेंस, फीमेल नहीं मेल, सर गलत है। जनरली चांसेस ऑफ कंसेप्शन आर नील अंडर द अंटिल द मदर ब्रेस्ट फीड द इन्फेंट फॉर द पीरियड ऑफ मैक्सिमम अप टू 6 months, यस करेक्ट, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस लाइक कॉपर टी, अगर हम इंट्रायूट्राइन डिवाइस की बात करें कॉपर टी की, तो वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव, नॉट बैड, वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, वेरी इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मे बी टेकन अप द 1 week आफ्टर द क्वाइटस, ने 72 hours, ये भी आपका गलत है। तो थर्ड इज करेक्ट एंड टू इज करेक्ट, टू थर्ड आर करेक्ट, आंसर इज सी। चलिए नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग क्लीवेज, क्लीवेज के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो क्लीवेज से क्या होता है, देखिए क्लीवेज से प्रोटोप्लाज्म कह रहे हैं बढ़ जाता है, नहीं बढ़ता है, और इट्स अ मियोटिक डिवीजन, नो, ईच क्लीवेज डिवीजन और रिजल्टेंट ब्लास्टोमेर इंक्रीजेस साइज, नहीं सर, इनकी साइज प्रत्येक क्लीवेज पे डिक्रीज करती है। बहुत अच्छा सवाल है ये, ध्यान रखिएगा, और यहाँ पे सवाल आएगा तो लोग गलत करेंगे, इसलिए प्लीज इस पे अलर्ट रहिएगा। प्रोटोप्लाज्म घटेगा नहीं, घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो क्लीवेज डिवीजन टू मोरुला लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ द ब्लास्टोला, ठीक है, ये सही आंसर है 29 का डी। सेलेक्ट द करेक्ट पेयरिंग, एस्परजिलस नाइगर एसिटिक एसिड, नो, सिट्रिक एसिड गलत, मोनास्कस परपुरिया स्टेटिन, यस बिल्कुल सही है, और ये क्या करता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल घटा देता है, तो आंसर इज बी। द एक्सप्रेशन गाइनोसियम इज पॉलीकार्पलरी एपोकार्पस, पॉलीकार्पलरी गाइनोसियम की बात कर रहे हैं, पॉलीकार्पलरी है और एपोकार्पस है, इम्प्लीज दैट ढेर सारे कार्पेल्स हैं और एपोकार्पस, इसका मतलब क्या है, वो आपस में फ्यूज नहीं है, गाइनोसियम कंप्राइजेस मोर देन वन कार्पेल एंड ऑल ऑफ व्हिच आर फ्री, आंसर इज बी, आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए 30 का बी, 31 का बी, इसका एग्जांपल अगर हम बात करें तो हमारे पास दो एग्जांपल भी है, रोज एंड लोटस। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग बैक्टीरिया व्हिच डिजीज एंड सेलेक्ट द करेक्ट, ट्रिपैनोसोमा फैलेडिन सिफिलिस, ए का थर्ड, यर्सिनिया पेस्टस ब्लैक, बैसिलस एंथ्रासिस एंथ्रेक्स, वाइब्रियो कॉलरी कॉलरा, आंसर इज बी। B is the right answer. The enzyme which does not directly act upon the food substrate in the small intestine of man, amylopsin करता है, lipase lipid को digest करेगा, trypsin, enterokinase, enterokinase directly food को effect तो नहीं करता,
लेकिन ये क्या करता है सर, ये ट्रिप्सिनोजेन को ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है, ट्रिप्सिन में कन्वर्ट करता है और उसके बाद फिरिडाइजेशन की प्रक्रिया करेगा। तो आंसर इज सी, एक अच्छा सवाल। वन फंक्शन ऑफ द टेलोमेरेज इन द क्रोमोसोम इज, देखो अगर बात टेलोमेर्स की बात करेंगे तो जो अंतिम सिरा है उसको सील कर देता है, और अंतिम सिरा को सील करने से क्या होगा कि ये क्रोमोसोम की अगर हम बात करेंगे तो क्रोमोसोम की जो आपस में ज्वाइनिंग है वो नहीं होने देगा, ये लास्ट सिरा है, तो सील द एंड ऑफ क्रोमोसोम, ये एंड क्रोमोसोम के एंड को सील कर देता है। गुड विजन डिपेंड अपॉन द एडिक्वेट इनटेक ऑफ कैरोटीन रिच फूड, जो गुड विजन है वो किस पर डिपेंड करता है। तो पहला कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उनको बताइए कि सही है कि गलत। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग, बेस्ट ऑप्शन चुनना है। तो विटामिन ए डेरिवेटिव ऑफ द फॉर्म्ड ऑफ कैरोटीन, यस आपको बीटा कैरोटीन याद होगा, आपको गोल्डन राइस याद होगा, तो ए आंसर सही है। द फोटो पिगमेंट आर एम्बेडेड इन द मेम्ब्रेन डिस्क ऑफ द इनर सेगमेंट, नो। रेटिनल इज डेरिवेटिव ऑफ द विटामिन ए, यस बिल्कुल सही, बहुत आसानी से पढ़ा हमने। रेटिनल इज लाइट अब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ द ऑल विजुअल फोटो पिगमेंट, यस सही है। तो फर्स्ट सेकेंड नहीं सर, फर्स्ट सेकेंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, यस फर्स्ट थर्ड फोर्थ, बी इज द राइट आंसर, बी इसका सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, देखिए ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड के बारे में क्या सच नहीं है, ये भी अच्छा सवाल बनाया है। इन फूड ट्रांसपोर्ट द सोर्स सिंक रिलेशनशिप इज वेरिएबल डिपेंडिंग अपॉन द सीजन और द प्लांट नीड, बिल्कुल सोर्स और सिंक, जैसे पहले मान लीजिए फ्रूट में स्टोरेज हो रहा हो लीफ से, है ना, और जब ओल्ड सीजन आता है तो फिर फ्रूट से लीफ में जाने लगता है, तो पहले लीफ सोर्स था अब फ्रूट सोर्स हो गया है, तो इट कैन बी रिवर्सिबल। ओके, फ्लोएम सैट कंसिस्ट ऑफ मेनली वाटर एंड सुक्रोज बट अदर सुगर हार्मोन अमीनो एसिड ट्रांसलोकेट थ्रू द, ये ट्रांसलोकेट तो हो रहा है बट ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड इन प्लांट से इसका कोई रिलेशन नहीं है, कॉन्टेंट की बात करें। In sugar utilizing the sink cell, the osmotic pressure must be very high so that they can get water along the sugar from the phloem. Yes, active transport is required for the process of loading. ये भी अपने आप में बेहद important question है कि active transport require होता है ना loading unloading के लिए ना, तो ये भी सही है आपका। ये सारे options अपने आप में बहुत important option है, तो answer is B, याद रखिएगा, और सारे option पूछे जा चुके हैं exam में। In a cricket player is fast chasing, एक cricket player है जो fast chase कर रहा है a ball in the field. Which one of the following groups of bone are directly contributing this movement? एक क्रिकेट प्लेयर है जो दौड़ रहा है, तो एक बॉल को पकड़ने के लिए, तो फीमर मैलस, इसके कान की हड्डी इन्वॉल्व नहीं होगी, पेल्विस अल्ना पटेला टॉर्सल, पेल्विस स्टर्नम फीमर टीबिया फेबुला टॉर्सल फीमर मेटाटॉर्सल टीबिया, ये सारी बोन इन्वॉल्व होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है, आप कह सकते हैं ये सारी बोन इन्वॉल्व हो जाएंगी, तो आपका आंसर क्या होगा, आई थिंक आंसर शुड बी डी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, आंसर शुड बी डी, दैट इज इंपॉर्टेंट थिंग। आइए क्वेश्चन नंबर 38, ए पर्सन ब्लड हैविंग ब्लड ग्रुप ओ कैन रिसीव ब्लड ऑफ, एक पर्सन है जो ब्लड ग्रुप ग्रुप ओ बी ए बी, देखिए कोई भी पर्सन है जो ब्लड ग्रुप ओ रिसीव कर सकता है, ब्लड ग्रुप ओ रिसीव कर सकता है। अब एक ऑप्शन अगर होता ओ ओ ए ओ बी तो एक बार हम सोचते हैं, अब यहां पर सिर्फ एक आंसर आएगा ग्रुप ओ ओनली, ऐसा क्यों होता है, यह भी एक इंपॉर्टेंट बात है। इनके पास ग्रुप ओ के पास जो एंटीबॉडीज हैं कंटेन बोथ एंटीबॉडी बट नो एंटीजन, कोई एंटीजन नहीं है, इसलिए आंसर डी होगा, ठीक है। चलिए द वॉल ऑफ एक ठीक द वॉल ऑफ सीप ट्यूब डेवलप इनटू सीप प्लेट टुगेदर गेटिंग एसोसिएटेड विद, सीप ट्यूब परफोरेशन की बात कर रहे हैं, आपस में कैसे कनेक्टेड होंगे, तो सीप ट्यूब डेवलप इन द सीप प्लेट टुगेदर गेटिंग क्यास्मेटा, बेकार का पॉइंट है। टेक्टाइल फाइबर नो, अल्ट्रा सेलुलर स्ट्रैंड या प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा से दो सेल आपस में कनेक्टेड होते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट,
अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द डीएनए स्ट्रैंड, डीएनए स्ट्रैंड के लिए पूछ रहे हैं। तो हमें मालूम होना चाहिए कि डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 5 to 3 डायरेक्शन ऑन टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या होगा आंसर? डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 5 to 3 डायरेक्शन ऑन द टेम्पलेट स्ट्रैंड। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 3 to 5 डायरेक्शन द न्यू स्ट्रैंड बेकार का पॉइंट है। डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन 5 to 2 डायरेक्शन द लीडिंग स्ट्रैंड, लैगिंग एंड लीडिंग। डी आंसर, सी आंसर। If we remove half of the forest cover of the earth, the crisis that will occur is, if we remove half the forest, अगर आप half forest को हटा दें तो क्या होगा? Forest से हम बहुत जो चीजें लेते होंगे वो हमें नहीं मिलेंगे और ecological imbalance हो जाएगा, है ना? क्या हो जाएगा? Ecological imbalance हो जाएगा। अगर ecological imbalance हो जाएगा तो population affected होगी, इसमें कोई doubt नहीं है। Pollution होगा, जो प्यूरिफिकेशन हो जाता है वो प्यूरिफिकेशन नहीं हो पाएगा, इकोलॉजिकल इंबैलेंस हो जाएंगे। तो आंसर इज बी। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट। हीमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, यस। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉयडी। डाउन सिंड्रोम क्या होता है? ड्यू टू एन्यूप्लॉयडी। फिनाइलकेटोनुरिया इज ऑटोसोमल जीन डिसऑर्डर। सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया की अगर बात करेंगे तो ये भी आपका क्या है? ऑटोसोमल डिसऑर्डर है ये। क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव। एक्स लिंग रिसेसिव, ये गलत है। तो 1-4 करेक्ट, 4 करेक्ट नहीं, एक आंसर सिर्फ सही होगा, डी आंसर। सिर्फ डी आंसर सही है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की अगर हम बात करें। क्वेश्चन नंबर 43, C2 साइकिल इज स्टडीड इन। C2 साइकिल कहाँ होगी? जहां पे फोटो रिस्पिरेशन की बात करोगे। C2 साइकिल मतलब ये फोटो रिस्पिरेशन है एक प्रकार से। क्या है? फोटो रिस्पिरेशन। और ये कहाँ होता है? बेसिकली C3 प्लांट में। तो कह रहे हैं C4 प्लांट में नहीं बेटा, C4 प्लांट में नहीं होता। C4 प्लांट नन ऑफ दीज, दोज प्लांट्स दैट सो फोटो रिस्पिरेशन। C3 प्लांट घुमा के क्यों बोल रहे हो? सीधे सीधे कह दो ना, क्या परेशानी है? व्हेन द मार्जिन ऑफ द सेपल और पेटल ओवरलैप वन अनदर। अगर हम मार्जिन की बात करें, ओवरलैप करने की बात करें, तो क्या बोलेंगे? आई थिंक इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन होना चाहिए। अगर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन की बात करेंगे तो इम्ब्रिकेट एस्टिमेशन हो जाएगा। याद रखिएगा, ये पूछा बहुत जाता है भैया। हाउ मेनी एनिमल्स इन द गिवन लिस्ट बिलो द ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटर सिमेट्रिकल एंड सीरोसिलोमेट। क्या होगा आंसर इसका? ट्रिप्लोब्लास्टिक बायलेटर। देखिए, सीरोसिलोमेट वर्ड ने आपके सवाल को काफी आसान कर दिया है। एस्कैरिस, एनसाइक्लोस्टेमा डिओडिनेल एंड वाउचेरिया वेंक्राफ्टी, तीन आपके पास जो मेंबर हैं, ये एस्केलमेंथिस के मेंबर हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। 2 इज नॉट करेक्ट, 4 इज नॉट करेक्ट, 5 इज नॉट करेक्ट, 3 इज द राइट आंसर। तो आंसर इज द बी। अगला, इन द फॉलोइंग ह्यूमन पेडिग्री आर फिल्ड विद द सिंबल रिप्रेजेंट द अफेक्टेड इंडिविजुअल, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ गिवन वीडियो। ओके, आपसे कुछ कह नहीं रहे हैं ये, अफेक्टेड इंडिविजुअल की आपको देख के बताना है। चलिए देखते हैं, ये ऑटोसोमल रिसेसिव की पेडिग्री लग रही है NCRT के अकॉर्डिंग। ट्राई करते हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव पेडिग्री अगर यही है तो इसमें क्या होगा, जरा देखना पड़ेगा जल्दी से। ऑटोसोमल कुछ लिखा नहीं है क्या? आइडेंटिफाई टाइप ऑफ गिवन बिलो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नॉट बैड। देखिए, यहाँ पे हो जाएगा स्मॉल ए कैपिटल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए, देन अगर यहाँ पे आया जाएगा तो ये स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो फिर यहाँ बस इतना सही बोलना चाह रहा था, स्मॉल ए अगर ये बन रहा है तो अगर ऐसा बनता है तो फिर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। यस, बन जा रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये स्मॉल ए हो जाएगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए हो जाएगा। फिर इसके पास भी आप कैपिटल ए स्मॉल ए की उम्मीद कर सकते हैं, यहाँ भी कैपिटल ए स्मॉल ए की उम्मीद कर सकते हैं। तो ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव में जब इस तरीके के जीन होंगे स्मॉल वाले, तभी आप डिजीज की बात कर सकते हैं। यही डोमिनेंट होता तो फिर कैपिटल ए स्मॉल ए से भी डिजीज हो जाती है, और कैपिटल ए से तो होती ही होती। एनसीईआरटी वाला वही डायग्राम है जिससे पूछा गया। लेवल ABCD एंड हाउ मेनी CO2 इन्वॉल्व बिटवीन A2 मैलिक एसिड।
गुड क्वेश्चन, अच्छा है। ए, अब अगर आप ऑक्सलो एसिटिक एसिड से आप बनाओगे एस्टिल कोएंजाइम में जोड़ोगे तो क्या बनेगा? सिट्रिक एसिड बनेगा, सिट्रिक एसिड बनेगा। तो पीजीए तो ए पूछ रहे हैं, ए पीजीए नहीं हो सकता, ये पाइरुविक एसिड नहीं हो सकता। दो ऑप्शन बचे हमारे पास। चलिए दूसरी बात, अल्फा ketoglutaric एसिड ये 5 कार्बन का कंपाउंड है और सी जो बनेगा, आई होप सो ये जो सी है ये सक्सेनिक एसिड बनेगा, सक्सेनिक एसिड बनेगा और ये सक्सेनिक एसिड जो है इसमें 4 कार्बन होते हैं। तो यहाँ पे एक CO2 निकलेगा, एक CO2 सिंगल, तो यहाँ दो CO2 निकालने की बात करें इसलिए गलत हो जाएगा। तो आंसर इज सी, बाकी आप अपना चेक करते रहिए। If decomposer are removed, what will happen to the ecosystem? अगर decomposer को हटा दिया जाए तो ecosystem में क्या हो जाएगा? Energy cycle is stopped? No. Energy चलती रहेगी. Mineral cycle is stopped? Yes. Mineralization की property stop हो जाएगी. Mineral cycle रुक जाएगी. Decomposer का बहुत अहम रोल होता है इसमें, है ना? तो answer is B. If the pathogen is microsporum responsible for ringworm, disease in human beings, same kingdom of the organism as that of, ये नीट का रिपीट सवाल है। माइक्रोस्पोरम क्या है? एक फंजाई है ना, और अब फंजाई ढूंढिए तो टीनिया टेपवर्म है, फोचेरिया भी नहीं है, इसका राइजोपस, राइजोपस ये मॉल्ट है, ये कौन सा मॉल्ट कॉज करता है? ब्लैक ब्रेड मॉल्ट, ब्लैक ब्रेड मॉल्ट। ओके, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड इज, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑफ सेलुलर, स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी ऑफ सेलुलर स्लाइम मोल्ड इज, 50 का आंसर बताइए। स्पोरेंजियम, ठीक है, स्पोरेंजियम इज द राइट आंसर। एक क्या, इन अ टेस्ट क्रॉस द F1 डायहाइब्रिड फ्लाइज more parental type offspring are produced than a recombinant type offspring, this indicate, देखिए test cross एक हो रहा है, उस test cross में बात कर रहे हैं कि more parental type होगा। अब अगर ये more parental type है तो more parental type होने की क्या reason हो सकते हैं? More parental होने के कई reason हो सकते हैं। पहला reason तो आपका है कि, अब देखिए एक चीज हम आपको और बताएं कि more parental type किसकी वजह से होता है? linkage की वजह से होता है। अब अगर जीन्स आपस में ज्यादा लिंक्ड हैं, ज्यादा पास पास हैं, तो उम्मीद कर सकते हैं कि आप लिंकेज ज्यादा होगा, और लिंकेज अगर ज्यादा होगा तो फिर रिकॉम्बिनेशन कम होगा। तो ऐसे ऑप्शन आपके पास क्या हैं? टू डिफरेंट क्रोमोसोम फेल टू सेपरेट बोथ ऑफ द करेक्टर, आंसर इज सी। क्या उनका सी आंसर होगा? जिसमें हमने आपसे बात करी थी, पैरेंटल की बात कर रहे हैं इसमें, ज्यादा होगा, ठीक है। चलिए ओके, अच्छा इसमें नाम बता रहे हैं कि कौन सा सेगमेंट है, तो डी आपका क्या है? डी आपका 52 D. ये पैराइटल लोब कह सकते हैं आप इसको, कह सकते हैं, ठीक है। 52 में फ्रंटल ए आपका क्या हो जाएगा? फ्रंटल हो जाएगा, फ्रंटल हो जाएगा। बी आपका टेम्पोरल हो जाएगा। ई आपका सी, सी आपका सेरिबेलम होगा, सेरिबेलम। डी मेडुला और ई पैराइटल, ठीक है। ऐसा सीवी का आंसर आपके पास है डी। Some of the characters of the BT cotton are, BT cotton का character क्या है? जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं तो उस particular जो मतलब cotton है उसकी जो पैदावार है वो बढ़ जाती है, और resistance होता है bollworm के प्रति, है ना, bollworm के प्रति resistance property आ जाती है। तो अगर bollworm के प्रति resistance आ जाती है तो answer क्या हो जाएगा? फिर answer हो जाएगा long fiber, no, medium size, high production toxic protein crystal, skill the deterrent pest, no, High yield resistance to bollworm, ठीक है। चलिए, Which one of the following enzyme contain MO as a prosthetic group? MO यानी ये activator होगा पक्का? MO कहाँ activator होता है? Phosphatase में? No, dehydrogenase? No, isomerases? Nitrate reductase में MO जो enzyme है उसको activate करने का काम करता है, ठीक है। चलिए next, अगला question sir। Which type of immunity that is present at the time of birth in human? देखिए, by birth, time of birth, non-specific, non-specific वाली, non-specific कौन सी है? None of these, both of these acquired, तो बाद में हम
उपार्जित लक्षण है, ये डी होगा राइट आंसर। और ये भी चार प्रकार का है, फिजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइटोकाइन एंड सेलुलर, याद रखिएगा। अगला, एंडेमिक प्लांट्स आर दोज विच आर, एंडेमिक प्लांट्स जो होते हैं ये क्या होते हैं जरा देखते हैं। एंडेमिक प्लांट्स आर दोज विच आर कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं सर, एंडेमिक प्लांट तो एक जगह पे होते होंगे ना, किसी एक पर्टिकुलर जगह पे, तो रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरिया, रिस्ट्रिक्टेड टू सर्टेन एरिया, ये एक अच्छा सवाल था। और एक एग्जाम्पल के तौर पर हम आपको बता दें कि 18% ऑफ प्लांट इन इंडिया लोकलाइज द सेम प्लेस, मतलब एक ही जगह पे पाए जाते हैं जो कहीं और नहीं पाया जाता है, 18% प्लांट जो इंडिया में जो एंडेमिक है, ठीक है। Which of the following structure is well developed in hydrophytes? Well developed. ठीक है, hydrophytes में parenchyma well developed होती है और इनके बीच में air cavities होती हैं, इसके अंदर air भरी होती है जो gaseous exchange को efficient बनाती है, gaseous exchange को efficient बनाती है, इसलिए आंसर A हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पानी होने की वजह से gaseous exchange उतना अच्छे से नहीं हो पाता है। Analyze the following pairs and identify the correct option. Chromoplast contain pigment, ठीक है. Leucoplast में कोई कलर नहीं, devoid of any pigment, ये भी सही है, दोनों सही है. Amyloplast store protein, नहीं सर, ये alluroplast होना चाहिए. Alluroplast store है, elaioplast होना चाहिए. Elaioplast carbohydrate, ये amyloplast होना चाहिए, तो तीन के तीनों गलत हैं. तो first and second are correct, answer is D. अगला, consider the following statement related to cell cycle and select the correct option. G1 phase is metabolically active stage of the cell cycle. G1 phase active stage है, बिल्कुल सही है. Interphase is phase of actual cell division. Actual cell division M phase में होता है सर, ये उसमें नहीं है. The number of chromosome double in S phase. सर content double हो सकता है, amount double हो सकता है, लेकिन chromosome का number double नहीं हो सकता. The cells that do not divide further exit the G1 phase to enter a quiescent stage known as G0. तो पहला सही है और चौथा सही है. First true and last true. D answer. First true and last true. ठीक है. A person entering in empty room. एक खाली room में एक person enter करता है. Suddenly finds it snake. एक सांप दिखता है दरवाजे के पे. Future of the following is likely to happen in the neurohormonal system. उसके में क्या, उसको डर जाएगा, वो क्या कर जाएगा, वो डर जाएगा. और जब डरता है तो ये कंट्रोल होता है सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम के. और जब ये डरेगा तो एक इमरजेंसी हार्मोन सिक्रीट होता है, एंड दिस इमरजेंसी हार्मोन इज एपिनेफ्रिन अथवा नॉर एपिनेफ्रिन, है ना. चलिए देखते हैं, हाइपोथैलेमस बात न करिए, न्यूरोट्रांसमीटर, पैरासिंपैथेटिक गलत हो, सिंपैथेटिक. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज एक्टिवेटेड स्टिमुलेटिंग रिलीज ऑफ एपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन फॉर द एड्रेनल मेडुला. एक बात और कहना चाहता हूं, इसे इमरजेंसी हार्मोन कहते हैं और ये फ्लाइट और फाइट के दौरान रिलीज होता है, फ्लाइट फाइट हार्मोन भी इसे कहा जाता है. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ टिश्यू इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फॉलोइंग स्टेटमेंट. इट इज प्रेजेंट इन द ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन एंड द मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी. ड्राई सर्फेस ऑफ स्किन एंड मॉइस्ट सर्फेस ऑफ बक्कल कैविटी. It is present in, okay, ठीक है, ये सही है, सही पूछ ही नहीं रहा. The main function to provide resistance to mechanical chemical stimulus. Compound epithelium. Compound epithelium. How many value are given correctly? Okay, normal heartbeat 72 प्रति मिनट, ठीक है. Cardiac output cycle 0.8. Stroke volume 70 ml. नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट, स्ट्रोक वॉल्यूम 70 ml, नॉर्मल 5000 ml, ठीक है. ब्लड प्रेशर 100/80, 3 सब सो सही है. ऑल ऑफ दिस, अच्छा ऑल ऑफ दिस नहीं, गंती पूछ रहे. 5 इज द सी आंसर. चलिए नेक्स्ट, 63. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पैलिंड्रोमिक बेस सीक्वेंस इन द डीएनए कैन बी कट. अभी हमने आपको समझाया था GAATTC किसमें है, GAATTC, और इधर भी GAATTC. अभी पीछे क्वेश्चंस में समझाया है, एक ही पेपर में दो दो सवाल एक ही जगह से. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द जेनेटिक इक्विलिब्रियम विल नॉट बी हैम्पर्ड फॉर दिस. एक बात कहना चाहता हूँ, ये वो सवाल है जो लगभग हर बच्चा गलत करता है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप गलत करेंगे, बस
कोई मतलब लगभग 5 बार तो 5 टाइम्स अब तक ये सवाल आ चुका है इसके आसपास। और आपको हम बता दें अगर रैंडम मेटिंग होती रहेगी तो हार्डी-वेनबर्ग प्रिंसिपल लागू रहेगा, और अगर रैंडम मेटिंग नहीं होगी तो इक्विलिब्रिया जो जेनेटिक फ्रीक्वेंसी है वो कांस्टेंट नहीं रह पाएगी, है ना। ये एक बहुत अच्छा सवाल है और इसको जरूर अच्छे से करिएगा, ठीक है, बिल्कुल गलत ना हो ये। द ग्राफ ऑफ द केस ऑफ पॉपुलेशन शोइंग मैक्सिमम इंटरेस्टिंग ग्रोथ, अगर मैक्सिमम इंटरेस्टिंग ग्रोथ की बात करेंगे तो लैग फेज होगी, लॉग फेज होगी और एक्सपोनेंशियल होगा, स्टेशनरी नहीं होगा। तो ऐसे केस में हम जे शेप के ऑब्जर्व की बात कर सकते हैं, जे शेप की बात कर सकते हैं। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ फूड कंपोनेंट इन द ह्यूमन रीचेस द स्टमक टोटली अनडाइजेस्टेड, अगर हम टोटली अनडाइजेस्टेड की बात करें तो कौन सा भोजन स्टार्च डाइजेस्ट हो जाता है, स्टार्च हर जगह है, तो बी आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सवाल को करें इलिमिनेट करके जिससे कि आपको सुकून मिलेगा। तो प्रोटीन रुद्र वॉइस क्लियर है ना एकदम, क्योंकि अभी तक मैंने पूछा नहीं किसी से, वॉइस एंड विजिबिलिटी क्लियर है ना, एक बार यस कर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो आंसर 65 का बी, 66 का बी हो गया और यहाँ पे किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं है। 67 इनफर्न स्पोर आर फॉर्म्ड इन, अगर स्पोर की बात करेंगे ना तो फर्न में स्पोर जो बनता है स्पोरेंजियम के अंदर ही बनता है, ठीक है, स्पोरेंजियम के अंदर बनता है। और जो स्पोरेंजिया है ना ये थैंक यू बेटा, ये जो स्पोरेंजिया है ना ये लीफ में पाया जाता है, और जिस लीफ में पाया जाता है उसी लीफ को स्पोरोफिल्स कहते हैं, शायद आपने पढ़ा हो, स्पोरोफिल्स कहते हैं ना, स्पोरेंजियम में बनता है। अरेंज द फॉलोइंग ऑप्शंस असेंडिंग ऑर्डर ऑफ बीओडी, बीओडी सबसे ज्यादा कहाँ होगी, ठीक है, तो सिंपल सैंपल ऑफ हाईली पॉल्यूटेड इसमें सबसे ज्यादा होगी, मैक्सिमम होगी, तो वन में सबसे ज्यादा, दो ऑप्शन तो कट गए। सैंपल फ्रॉम अनपॉल्यूटेड पॉन्ड वाटर, पॉन्ड वाटर और डिस्टिल वाटर, डिस्टिल वाटर में सबसे कम होगा यानी थर्ड में सबसे कम होगा, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। एक अच्छा सवाल है, डिस्टिल वाटर अनपॉल्यूटेड वाटर, आपके कॉन्सेप्ट को चेक करना चाह रहे हैं पेपर, और कुछ नहीं करना चाह रहा है, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो आप कर लेंगे। इफ द एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड, ये थोड़ा अच्छा सवाल है, एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड एंड द फीमेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड, द प्लॉयडी ऑफ एंडोस्पर्म, देखिए आपको अगर मैं बताऊं एंडोस्पर्म कैसे बनता है तो आप जानते हैं कि एक हमारे पास मेल गैमेट होता है एंजियोस्पर्म में, और दूसरा मेल गैमेट, अब प्लांट अगर हमारे पास जो प्लांट है मेल प्लांट है वो कह रहे हैं 2n है, तो मेल गैमेट क्या होगा सर, मेल गैमेट n होगा, चलिए। और कह रहे हैं कि जो फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट जो आपका है ये कह रहे हैं 4n है, अच्छा, और आपको पता होगा कि मेल गैमेट के साथ दो पोलर न्यूक्लियाई, टू पोलर न्यूक्लियाई होनी चाहिए, यानी यहां से जब रिलीज होंगे तो 2n प्लस 2n यानी दो पोलर न्यूक्लियाई होंगे ना, तो टोटल कितना हो जाएगा 2n प्लस 4n इधर से और यानी इधर से, तो टोटल 5n हो जाएगा, यानी इसकी जो प्लॉयडी होगी वो पेंटाप्लॉयडी होगी, क्या होगी, पेंटाप्लॉयडी, यानी आंसर इज डी। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ज़ूस्पोर, ज़ूस्पोर एक्चुअल में इसके पास फ्लैजेला होता है और ये मोटाइल होता है, तो मैक्रोस्कोपिक नहीं होता, माइक्रो होता है, नॉन मोटाइल नहीं होता, और ये एसेक्सुअल स्पोर है, सब बातें आप सीख लीजिए भैया, ये एसेक्सुअल स्पोर है, ये नॉन मोटाइल नहीं मोटाइल है, ये माइक्रोस्कोपिक, और इसको एक और नाम देते हैं स्वार्म स्पोर, ये बीएससी में आपसे पूछा जाता है। मैच द फॉलोइंग इंक्लूजन बॉडी गैस वैक्यूल, लाइसोसोम, कार्बोहाइड्रेट, सेकेंड का ए, सेकेंड का ए, दो ऑप्शन कट करो, वन का सी, ये भी कट करो, माइटोकॉन्ड्रिया, 70 या राइबोसोम, ठीक है गॉल्गी बॉडी, तो सी का डी, सी का डी, थर्ड का डी एंड फोर का बी, आंसर इज सी, मैच कर लीजिएगा भैया। अगला भी सर, ये मैचिंग बहुत पूछते हैं लोग भाई, स्टडी द फॉलोइंग कॉलम्स जे वन एंड टू, ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये क्या होगा, फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ए का फाइव, अभी इससे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बहुत है। प्रोटॉन ग्रेडियंट, प्रोटॉन ग्रेडियंट वहां होगा जहां पे जहां कंसंट्रेशन ऑक्सीजन का ज्यादा होगा, बी का सेकंड, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल, केल्विन साइकिल, एटीपी सिंथेसिस, फोटोरेस्पिरेशन, बताइए आंसर, 72 का ए का फाइव, बी का थर्ड, प्रोटॉन ग्रेडियंट होगा सर, तो एटीपी सिंथेसिस ज्यादा होगी, है ना, बी का थर्ड, सी का वन, सी केल्विन साइकिल, बिल्कुल 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 सही, बिल्कुल सही, आंसर इज ए, अच्छा सवाल है भैया, ये भी अच्छा सवाल है, गुड क्वेश्चन अगेन।
अच्छा जी, फिर से आ गया पेडिग्री। ओके, पीछे भी यह किया था हम लोगों ने, अच्छे से इसको भी करते हैं। इसमें तो उन्होंने बता दिया है कि ऑटोसोमल डोमिनेंट है। अगर ये ऑटोसोमल डोमिनेंट कहते हैं तो मुझे पता है डिजीज कहाँ होती है, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए, इन्हीं में डिजीज होगी। यानी जहां जहां डिजीज नहीं वहां लिख दो स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। अब देखते हैं, अगर ये स्मॉल ए स्मॉल ए है और ये स्मॉल है तो ये क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, प्रूफ हो गया कि डोमिनेंट है। और ये क्या होना चाहिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, पक्का 100%, क्योंकि यहाँ पे स्मॉल, अच्छा नहीं इसका तो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, पूछ रहे हैं आपसे। तो इसका हमने बता दिया कैपिटल स्मॉल है, इसका कैपिटल स्मॉल हो गया, इसका कैपिटल स्मॉल हो गया, इसको डिजिट नहीं मैंने पहले लिख दिया। अच्छा नहीं है, कैपिटल ए नहीं कर सकते सर, उन्होंने एम पूछा है। ओके कोई बात नहीं, तो कैपिटल एम स्मॉल और दूसरा पहला तो हो जाएगा कैपिटल एम स्मॉल एम, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अच्छा दूसरा बी वाला कैपिटल एम स्मॉल एम, ठीक है, तो और तीसरा स्मॉल एम, डी आंसर हो जाएगा। किसने आंसर किया क्या, 72 73, अभी कोई आया ही नहीं। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रेडियोएक्टिव आइसोटोप विल कॉज्ड यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ थायराइड कैंसर। थायराइड कैंसर के लिए आयोडीन 31 31, आयोडीन 131 या रट्टा मारो भैया इसको। इन लाइक इन द रोल ऑफ माइकोबायोंटिस, जो फ्रूट का काम होगा वही करेगा, तो प्रोवाइड प्रोटेक्शन इनकरेज एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द एल्गा, बिल्कुल सही, सहयोग करेगा प्रोटेक्शन करेगा सुरक्षा करेगा, है ना, बी आंसर हो जाएगा। चलिए, कैटेकोलामिन सिक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल मेडुला स्टिमुलेट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लाइकोजन रिजल्टिंग इन द इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, ठीक है, एनसीआरटी ग्लाइन है, बढ़ाता है ग्लाइकोजन को कैटेकोलामिन। कॉर्टिसोल इज आल्सो इन्वॉल्व विद द मेंटेनिंग द कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम एज वेल एज किडनी फंक्शन, यस। हार्मोन रिलीज फ्रॉम जोना फेस्टिकुलेट प्रोड्यूसेस एंटी इंफ्लेमेटरी रिएक्शन एंड सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही है। एंडोजेनिक, चारों लाइनें एनसीआरटी के एक्चुअल में है ये। एंडोजेनिक स्टेरॉइड सिक्रेटेड बाय एड्रेनल कॉर्टेक्स प्ले अ रोल इन द ग्रोथ ऑफ एक्सियल हेयर्स, प्यूबिक हेयर, सेक्स स्टेरॉइड एक्चुअल में, है ना, प्यूबिक हेयर, फेशियल हेयर, बिल्कुल सारे के सारे स्टेटमेंट आपके सही है, चार के चारों करेक्ट हैं। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि 2020 के लिए इन चारों स्टेटमेंट को जरूर याद रखें एग्जाम के लिए। व्हाट इज कीस्टोन स्पीशीज, देखिए कीस्टोन स्पीशीज वो होती है जिसके ऊपर पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिपेंड होता है। ये साइज इसकी छोटी हो सकती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है, और अगर इसकी ये हट गया गलती से भी तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है। तो स्पीसीज व्हिच ऐड अप ओनली ए स्मॉल प्रोपोर्शन टोटल बायोमास ऑफ कम्युनिटी येट ह्यूज इम्पैक्ट ऑन द कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड सर्वाइवल, करें प्लेंटी ऑफ बायोमास येट इज फेयरली लो इम्पैक्ट, नो, रेयर स्पीसीज, नहीं सर, डोमिनेंट, बेकार की। आंसर इज ए बी, ए आंसर, छोटा होगा लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होगा। ईस्ट इज डिफरेंट फ्रॉम पेनिसिलियम, पेनिसिलिन मतलब पेनिसिलियम एंड राइजोपस, कैसे डिफरेंट होगा ये, अच्छा यूनिसेलुलर होगा, ठीक है, हैविंग एस्कोस्पोर यूनिसेलुलर विदाउट माइसिलियम, यस, इनमें आपको माइसिलियम नहीं दिखता, जब एक ही सेल का है तो काहे का माइसिलियम, कोई माइसिलियम नहीं। 79, सर्जिकल रिमूवल ऑफ टेस्टिस इज कैस्ट्रेशन, बोलते हैं कैस्ट्रेशन, यस, सी आंसर, ओफरेक्टोमी नहीं बोलेंगे, वैसेक्टोमी नहीं सर, ये सारे टोमी आपको पता होना चाहिए, काट लीजिएगा ना, तो कैस्ट्रेशन बोलते हैं जिसमें कि स्पर्म बनना बंद हो जाएगा बॉडी में। लिम्स एक्सटर्नल जेनिटेलिया इन द फीटस आर वेल डेवलप्ड इन, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन, और ये वो लाइन है, वो पेज है जहां पे सवाल हर एग्जाम में पूछा जाता है, 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी एंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर या 3 मंथ। 81, मैच कराइए, सल्फर मैथियोनिन ए का थर्ड गलत हो गया, तो ऑप्शन जिंक ऑक्सन, ये थर्ड है भैया, फोर नहीं, बी का फोर, ए का थर्ड, बी का फोर, आंसर इज बी। और भी देख लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोरोफिल एंड मॉलिब्डेनम नाइट्रोजनेस, ठीक है, चेक कर लीजिए। तो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन अकर्स इन स्टेप, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन CO2 रिलीज कराने की बात करेंगे सर इसमें। अल्फा कीटोक्लोराइड एसिड कितने कार्बन का, 5, और ये कितने कार्बन का है, 4, तो आंसर इज सी। सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट क्या बोलते हैं आप इसको, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ए का क्यू। सेपरेशन ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बी का आर। लार्ज स्केल प्रोडक्शन बायोरिएक्टर, सी का पी, आंसर इज सी। एक अच्छा सवाल, बहुत अच्छा पेपर था ये पूरा।
सेलेक्ट द इनकरेक्ट मैच विद रिस्पेक्ट टू रिसेंट एक्सटेंशन ऑफ एनिमल. बहुत कॉन्सेप्चुअल पेपर बनाया है. क्वागा अफ्रीका, थैलासिना ऑस्ट्रेलिया, स्टिलोसिका रशिया एंड डोडो इंडिया. नहीं सर, डोडो मॉरिसस से था. मॉरिसस पता नहीं हिंदी सही भी है कि नहीं. मॉरिसस 84 का डी. करेक्टरिस्टिक ऑफ स्मूथ मसल फाइबर, स्पिंडल शेप, अनब्रांच, अनस्टेटेड, यूनिन्यूक्लियेट, अनवॉलंटरी. इनवॉलंटरी. बोलिए आंसर क्या होगा जल्दी से. 85 का. सब तो बता दिया भैया. स्पिंडल शेप होगा, अनब्रांच होगा, अनस्टेटेड होगा और यूनिन्यूक्लियेटेड होगा और इनवॉलंटरी होगा. तो आंसर कैसा हो जाएगा? ए आंसर हो जाएगा. अनब्रांच, यूनिन्यूक्लियेट, अनस्टेटेड, इनवॉलंटरी. आंसर इज ए. पीपल्स लिविंग द सी लेवल एंड द अराउंड एल्टीट्यूड सिकनेस का सवाल है भैया. ये कह रहे हैं पीपल हैं जो लोग हैं वो 5 मिलियन आरबीसी के लिविंग द एल्टीट्यूड 5400 मीटर अबव द अराउंड 8 मिलियन. दिस इज बिकॉज एट हाई एल्टीट्यूड. ऐसा क्यों 5 मिलियन से 8 मिलियन हो गया? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि एटमोसफेरिक ऑक्सीजन लेवल इज लेस एंड हेंस मोर आरबीसी आर नीडेड टू अब्सॉर्ब द रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ CO2 टू सर्वाइव. ज्यादा ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए ज्यादा आरबीसी की जरूरत पड़ेगी. एल्टीट्यूड सिकनेस की समस्या है, थोड़े दिन बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा. टैक्सोनॉमिक बेस्ड ऑन द डिटरमिनेशन ऑफ द इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप. इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप मतलब फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी. फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी याद रखिएगा. इवोल्यूशनरी रिलेशन मतलब फाइलोजेनेटिक टैक्सोनॉमी. बार बार सवाल पूछे गए हैं. लाइफ कैन नॉट ओरिजिनेट फ्रॉम द इनऑर्गेनिक मटेरियल एट प्रेजेंट बिकॉज. आज की डेट में लाइफ इनऑर्गेनिक मटेरियल से नहीं बन सकती. क्यों? क्योंकि आज का जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो ऑक्सीजनिक है. जब बना था तो उस समय ऑक्सीजनिक कह दें या आप कह सकते हैं कि उस समय का जो था वो इवन दूसरे वर्ड इस्तेमाल करेंगे ऑक्सीडाइजिंग है. ऑक्सीडाइजिंग है उस समय रिड्यूसिंग था. तो ए वेरी हाई अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर यस. वेरी लो रॉ मटेरियल नो. आंसर इज ए. ठीक है सेल ऑफ मोलस्का इज डिराइव्ड फ्रॉम. भैया जो इसका मोलस्का का सेल होता है बहुत हार्ड होता है. बॉडी इसकी सॉफ्ट होती है लेकिन अनसेगमेंटेड होती है. तो मेंटल जो होता है वो इसका आंसर है बी. सेल ऑफ मोलस्का इज अ मेंटल. लिस्ट ऑफ द चूज द करेक्ट आंसर. हाइपोथैलेमस की अगर हम बात करें. हाइपोथैलेमस. हाइपोथैलेमस क्या करेगा सर? GnRH. ए का 4. ए का 4. एक्रोसोम स्पर्म लाइसेन. बी का 1st. ग्राफियन फॉलिकल एस्ट्रोजन. सी का 2nd. तो ए का 4, बी का 1st, सी का 2nd. इतना कोई आया? ए 4, बी 1st, सी 2nd. अरे बाप रे. लैडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन. डी का 5. और लास्ट में ई किसके साथ मैच कराएंगे आप? पार्चुरेशन रिलैक्शन 3. आंसर बता दीजिए 90 का. डी आंसर हो जाएगा. मैच कर लीजिए. ए 4, बी 1, सी 2, डी 5, बी 3. तो ये तो थे आपके 90 सवाल आज के. आई होप को आपको इससे थोड़ा बहुत फायदा जरूर हुआ होगा. आज के लिए इतना ही. थैंक यू. अगर आपको ये सारी चीजें पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब. थैंक यू सो मच. थैंक यू.